अरे चलाओ ननैनो के बांधरे ले रही हूं और आप लोग समझ जाएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग उन तीनों तीन में फंसे हुए, पिताजी तीन में फंसे हुए हैं, क्योंकि कि तीन चीजों में सब परेशान रे, कि तीन चीजों में सब परेशान रे। वो कौन सी तीन चीजें हैं? कि तीन चीजों में सब परेशान रे। आशीर्वाद ले। और 21 मुद्राएं हमारे बड़े भैया की ओर से प्रदान है, अपनी ओर से आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। कि तीन चीजों में सब परेशान रे। किन चीजों में? कि रोटी कपड़ा और मकान रे। रोटी कपड़ा और मकान। अनुरागी भैया, इतनी दूर हम लोग आए हैं, अब समझ सकते हो किस लिए? रोटी कपड़ा और मकान, ये जो गले में बांधे हो इसकी जरूरत है तुम्हें। कि तीन चीजों में सब परेशान रे, रोटी कपड़ा और मकान रे। और तीन चीजें और मिली, तीन चीजें और मिल रही हैं। कि इसके झगड़े भी हैं तीन, तीन झगड़े भी मिलते हैं किस किस के लिए? कि इसके झगड़े भी हैं तीन, जोरू जरिया और जमीन। तीन का ही झगड़ा है, औरत का, रुपया पैसा का और जमीन का। तीन तरीके के झगड़े हैं। किसके झगड़े भी हैं तीन, और जोरू जरिया और जमीन, और जिसमें उलझा हर इंसान रे। कि जिसमें उलझा हर इंसान रे। भैया
चीजें तो बहुत खराब मिल गई, बहुत खराब। जैसे जैसे कि तीन चीजें बड़ी ही खराब रे। अगर आप लोग मानते हो तो ताली जरूर बजाना। कि तीन चीजें बड़ी ही खराब रे, चोरी जुआ और शराब रे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसको चोरी की लत लग गई, जुए की लत लग गई, शराब की लत लग गई, जल्दी छूटने वाली नहीं ना बेटा ना। समझो समझो कि चोरी जुआ और शराब रे। अब तीन चीजें बहुत अच्छी मिल रही है। जैसे धर्म कर्म और दान। तो सुन लो मेरा ये हिसाब रे, कि सुन लो मेरा ये हिसाब रे। अब भैया तीन चीजें कभी मत जाने देना, तीन चीजें कभी मत जाने देना। कौन कौन सी चीजें? कि जाने न दो कभी, जाने न दो, जाने न दो कभी, जाने न दो, जाने न दो कभी, जाने न दो। क्या ना जाने दो? कि जाने न दो कभी, जाने न दो। क्या? कि आन बान और ईशान रे। भले क्यों ना सर कट जाए, लेकिन आन बान शान कभी मत जाने देना। कि आन बान और ईशान रे। और तीन चीजें बहुत अच्छी मिल रही हैं। कि तीन चीजें है जग में महान रे, कि तीन चीजें है जग में महान रे, माता पिता गुरु ज्ञान रे। ये देखो हमारे गुर्जर भाई, धन्यवाद है। कि तीन चीजें हैं जग में महान रे, माता पिता गुरु ज्ञान रे। तीन चीजें हैं जग में महान रे, माता पिता गुरु ज्ञान रे। तीन चीजें हैं जग में महान रे, माता पिता गुरु ज्ञान रे, माता पिता गुरु ज्ञान रे। नहीं बजा रहे हैं, कुछ लोग को नींद आ रही है। एक बार जोरदार फिर से एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। क्या बात है, आप सुनाई दे रही तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आ रहे हैं अपने सक्षम कलाकारों के साथ अनुरागी जी, लेकिन इसके पहले हमारे बड़े भैया तिवारी जी, क्योंकि एक तिवारी सब पर भारी। दोनों कलाकारों के अभी आप लोगों ने सुना, पूरा मंडल लगा पड़ा है। सबसे ज्यादा तो खोपड़ी वाला, कारण ये है, कहां गया खोपड़ी वाला, बात जाता है कि जब जब मेन गायक कमजोर पड़ने लगे तो फिर बेफजूल की बातें होने लगती हैं। अब कारण ये है कि उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से करनी है। जिन बातों का प्रारंभ अजय अनुरागी ने नहीं किया, अब उन बातों का अगर प्रारंभ उधर से हुआ है तो जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा। भागो बेटा, कहाँ भागोगे, क्योंकि सर में बाल नहीं है। लेकिन इससे पहले साधना जी, मेरे दिल के कुछ उद्गार है व्यक्त कर रहा हूं आपसे, सुने। Oh
नमक छोड़ जाऊंगा पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। कह रही हो कि ये सब पंच परमेश्वर के लिए कर रहे हो। सीधे सीधे कह दो कि सील्ड का मामला है। अब समझ में आया। इशारा आप कर रही थी और मैंने तभी जनमानस की ओर हाथ जोड़कर इशारा किया था कि जो कुछ है आपको मिल जाए, हमें लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। और क्या। और बहन जी सुनिए कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, ओ खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, सीसा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। कहां गया घुटी खोपड़ी वाला। गया। अब साधना जी आपको रोकना चाहिए था जब आपके नीचे वाले बात कर रहे थे। अपने स्टाफ से बात करते मैं कुछ ना कहता, लेकिन वो हमसे बातें कर रहे हैं। वो खास तौर से ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसीलिए सर के बाल उड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। आधे खत्म है, आधे खत्म हो जाएंगे। आप कह सकती हैं हमसे, अब वो झीका झीक रहे हैं तो बस उनसे कहिए अपने स्टाफ से बात करें, हमसे बात ना करें। कारण ये है कि अगर हमसे बात करनी है तो फिर उनको मंच पर खड़े होना पड़ेगा, वो कर नहीं पाएंगे। आइए हम आपकी बातों का कुछ बातचीत कर लेते हैं। अपनी ओर से नहीं कहेंगे, आपकी बातों की बात करेंगे। मैंने एक बात कही थी कि साधना जी आप कह रही हैं कि मैं आपके जैसा नहीं बन जाऊं, तो मैंने कहा भगवान करे मैं आपकी तरह नहीं बन सकता और आप मेरी तरह नहीं बन सकती। आप जैसे हैं अच्छी हैं, हम जैसे हैं अच्छे हैं। आप उस बात को देखिए घुमा के बात कर रही हैं आप। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप लेडीज हैं। आपने अपने मुखारबिंद से इस बात को साबित कर दिया कि हम लड़की हैं। नहीं, अरे आप कन्या हैं, आप औरत हैं, आप स्त्री हैं, आप बहन हैं। और मेरी नजर में आप शक्ति का स्वरूप हैं। वो इसीलिए मैंने कहा था कि अजय अनुरागी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेगा ना। लेकिन जबरदस्ती कह रहे हो कि हम लेडीज हैं, तुम भी लेडीज बन जाओ। क्या मतलब है इनका जवाबी से? कुछ नहीं। क्या मतलब है? अरे जवाब तर्क हो रहा है। साहित्य पर एक दूसरे पर तर्क हम करें ठीक है। अब आप कह रही हैं कि इनकी भावना देखिए, अब लाला लाला लगाने की क्या जरूरत थी? अरे आपको उसमें टोकने की क्या जरूरत थी? भाई मैंने पहले बताया धुन गाने का मेरा अपना अंदाज है, आपका अपना अंदाज है। टोकने की आदत सी हो गई ना। लेकिन अब जबरदस्ती जवाब नीचे लिख के तैयार नहीं हो रहा है तो कुछ बोलना जरूर है। और क्या महाराज। चलिए हम नहीं कहेंगे कुछ आपसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब आप सवाल पे आपसे बात करेंगे। मैंने अभी एक गीत गाया था, सुना था आप लोगों ने, भैया बेस कम कर दीजिए इसका, जितना कम हो जाए कर दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। कि हो गई बेवफा मुंदरी, आज अपने नगीने से
मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। अब आप कह क्या रहे हैं सुने बाबा भैया, आप बुरा न मानिएगा लेकिन कभी कभी अच्छे अच्छे विद्वानों से भी गलतियां हो जाती हैं। मैं बेफजूल की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है मैं उस बात को उजागर कर रहा हूं। प्रबुद्ध जनमानस बैठा है समझिएगा, जटायु जीवित है, गोद में पड़ा हुआ है लेकिन जीवित है। और जवाब में आपकी पंक्ति कह रही है, आपकी तरफ से जो पंक्ति निकल के आई है वो कह रही है कि खोला मेरे लिए स्वामी प्रेम के उस खजाने को। बहुत बढ़िया बात, लेकिन फिर आपकी नीचे वाली बात कह रही है कि भाग्य से मौत ऐसी मिली। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर उसे मौत मिल गई थी तो वो बोल कैसे रहा है, वो कैसे बोल रहा है मुंह से? अगर जटायु मर गया वहां तो वो बोल कैसे रहा है? अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप बताइए। टेंस आप देखिए, टेंस। उसके बाद वही चीज बाल के सामने, अगर प्राण है और उसका मुखार बिंदु चल रहा है और वो मरा नहीं है तो मौत कैसे मिल गई? मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिली नहीं है वहां, वेटिंग में। लेकिन ठीक है बाबा भैया, हम कुछ नहीं कहते। सुने, जवाब इसका ये नहीं था। मेरा मानना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, सुने। मेरी पंक्ति कह रही है कि मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। तो जवाब कुछ ऐसे आना चाहिए था, सुने। दो लाइनें पढ़ूंगा, विरह की वेदना में हमें का प्याला ये पीना है। मर सकती, मर सकता नहीं शायद, अब मर मर के जीना है। मर जाना मेरा अच्छा, यूं मर मर के जीने से। अगर इधर मर रहे तो जवाब तब था कि जीवन मौत से बदतर हो जाए, लेकिन मजबूरी में उसे जीवन जीना पड़े। और क्या, मर जाना मेरा अच्छा, यो मर मर के जीने से। मेरी आदत है, मैं फालतू की बकवास नहीं कर पाता हूँ। कहाँ गए बेटा? कारण ये है अभी नहीं आएंगे कि मैं कोशिश करता हूँ घर में अध्ययन करूँ, और जवाबी है तो जवाबी का ही मंच रहे, वो नौटंकी का मंच ना बनने पाए। और क्या, लेकिन मजबूरी होती है, जब कैसेट बनती है तो लोग सोचते हैं ज्यादा बोल लेंगे तो आ जाएगा, ये सब बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत करिएगा, मैं भी कर रहा हूँ, और अभी हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है। हाँ, और क्या? सुने, ठंड गीत मैंने गाया था कि मैन बॉडी मोबाइल से 108 करो डायल, और BSNL लाइफ टाइम में आपने बता दिया बैटरी डाउन तो काम खत्म। सही है, लेकिन ये बताओ बैटरी चार्ज कहाँ से होती है? पावर बैंक ले। बाइक कनेक्शन तो तुमने ऊपर वाले का बता दिया, अब बैटरी कहाँ से चार्ज होती है? पॉइंट की बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है दादा, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर स्वच्छ गाना बजाना हो तो ज्यादा ठीक है। सुने सुने साधना जी, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके खंड गीत का जवाब लाने का। हो कहीं निकल ना जाए हमरी बॉडी से, ओ हमरी बॉडी से प्राण रे चलाओ ना नैनो से बान रे, ओ जान ले ले ना जान रे हम ऊपर नहीं गाएंगे, हम इसको ऐसे गाएंगे। शामिल न हो, शामिल न हो इनका भूतों में प्राण रे, इनका भूतों में नाम रे, चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले ले ना जान गाओगे तो आते बाहर आ जाएंगे। बना लेना कितनी चीजों में सब परेशान रे, रोटी कपड़ा मकान रे, जरजोरू जमीन तीन तीन का संकलन किया है अपने खंड गीत में। कहीं भी जगह बची नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कुछ मिल जाए तो बाबा भैया स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। सुने बड़े भैया हैं, सुबह डांट भी देंगे तो मंजूर है, लेकिन मेरे होते हुए आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं, सदैव रहेंगे। कि तीन काल है विशेष ये प्रमाण रे, जीवन से कहीं ना कहीं ये तीन बातें भी जुड़ी हैं। और क्या, तीन काल है विशेष ये प्रमाण रे, भूत भविष्य वर्तमान रे, तीन काल है विशेष ये प्रमाण रे, भूत भविष्य वर्तमान रे, और तीन देव हैं, ये भी मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो तीन देव है विशेष विद्यमान रे, तीन देव है विशेष विद्यमान रे, विधि हरिहर को मान रे, क्या बात है। तीन देव है विशेष विद्यमान रे, विधि हरिहर को मान रे, आओ।
कबो ना पई है और सुने दत्तात्रेय मूर्तिमान दत्तात्रेय दत्तात्रेय मूर्तिमान अंश तीन कीर्तिमान दत्तात्रेय मूर्तिमान अंश तीन कीर्तिमान सुनो अब ये जवाब रे कभी कभी सुन लो मेरा जवाब ये मूर्तिमान अंश तीन कीर्तिमान सुन लो अब ये जवाब रे कभी झुकने न पाए कभी झुकने न पाए कभी कभी झुकने न पाए कभी झुकने न पाए कभी झुकने न पाए कभी झुकने न पाए ये तिरंगा है शान रे इसमें भी तीन है केसरिया हरा और श्वेत तीन है इसलिए कह रहा हूं सुने हो कभी झुकने न पाए कभी झुकने न पाए ये तिरंगा है शान रे तीन के मिलने का एक स्थान रे है त्रिवेणी महान रे तीन एक में मिले मूर्तिमान रे साधना जी जब जब बजरंगबली बाबा ने सीना फाड़ा और जब सीना फाड़ा तो तीन एक में मिले मूर्तिमान रे राम सीता हनुमान रे